Hello everyone. Today we will discuss how to use advanced filter using copy to another location option. उस दिन हमने किया था, पिछले वीडियो में हमने किया था filter the list in place option के साथ advanced filter को. आज हम करेंगे copy to another location option के साथ. I'm again repeating, advanced filter use करने के लिए पहले हमें कॉलम हेडर को कॉपी करना पड़ेगा. देन अनदर लोकेशन पे पेस्ट कर देते हैं. मैं नीचे कर रही हूँ. उसके बाद मुझे एडवांस फिल्टर नेम पर लगाना है और उसके इंग्लिश के मार्क्स 89 होने चाहिए. तो एक वैल्यू चेक करने के लिए उसका फॉर्मूला शुरू होता है इज इक्वल टू then double quotes. अभी मुझे नेम चाहिए जिया. ओके, और वो जिया का नेम डिस्प्ले हो जिसके इंग्लिश के मार्क्स फिर से 89 हो. तो इज इक्वल टू से स्टार्ट करूंगी, डबल कोट्स 89, डबल कोट्स क्लोज. ओके, तो मेरी एक वैल्यू मैंने सेट कर दी है इज इक्वल टू डबल कोट्स के साथ. अभी एडवांस फिल्टर यूज करने के लिए सबसे पहले मैं डाटा पे क्लिक करूंगी, देन एडवांस बटन पे. उसके बाद पहले हमने फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस यूज किया था, अभी हम करेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन. आई विल क्लिक ऑन कॉपी टू अनदर लोकेशन. अभी लिस्ट रेंज यहाँ पर सिलेक्ट करना है. लिस्ट रेंज क्या होगी कि किस पर मुझे किस डाटा पर फिल्टर लगाना है, मैं उसकी सिलेक्शन कर लेती हूँ माउस के साथ. ये देखिए ऑटोमेटिक हो चुका है. देन क्राइटेरिया रेंज कि मुझे कौन सी वैल्यू पर क्राइटेरिया लगाना है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ क्राइटेरिया रेंज में. अभी कॉपी टू में आपको वो लोकेशन सिलेक्ट करनी है जहां पर आप फिल्टर करवा कर कॉपी करना चाहते हैं. तो इस पर मैंने क्लिक किया, देन मैं एक सिलेक्शन कर लेती हूँ कि यहाँ पर मेरा डाटा कॉपी हो जाए. तो ये देखिए यहाँ पर भी ऑटोमेटिक फिल हो चुका है. देन ये सब करने के बाद मैं ओके पर क्लिक करूंगी. ये देखिए डाटा फिल्टर होके एक नई लोकेशन पर आ चुका है. जब हम फिल्टर इन प्लेस करते थे तो वहीं पर फिल्टर होता था. मैं एक बार फिर से वो भी दिखा देती हूँ. ये देखिए फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस मैंने सिलेक्ट किया है, बाकी सब वही है. तो ये देखिए यहीं पर आपकी फिल्टर हो चुकी है. और कॉपी टू में अनदर लोकेशन जो हमने सिलेक्ट की थी वहां कॉपी होके फिल्टर होगा. सो दिस इज द वन ऑप्शन इन एडवांस फिल्टर, कॉपी टू अनदर ऑप्शन, जहां पर आप पुराने डाटा में कोई चेंज नहीं करेंगे, आप नई लोकेशन पर अपना डाटा सेव फिल्टर करवा रहे हैं.